एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करना है, अगर उनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो। हमारा क्वेश्चन जो है इसे हम सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि जब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, हम क्या करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और अगर वह जीरो के इक्वल होती है तो इस स्थिति में रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। जब हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं और वह जीरो से बड़ी होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है या पॉजिटिव होती है, तो इस कंडीशन में रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं, यानी कि अलग अलग और रियल होते हैं। और जब हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू नेगेटिव होती है, जीरो से छोटी होती है, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, नो रियल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। इस स्थिति में हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर वाली दोनों कंडीशन में हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होता है। अब इन सवालों को हम आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट वाला, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है और c इज इक्वल टू 5 है। ये कैसे निकाला है हमने? हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो आपकी ए होगी, एक्स के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू बी होगी, और सी आपका कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर होगा b का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो हमारे पास b क्या है, माइनस 3, क्योंकि b का स्क्वायर है तो माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर माइनस 4, a की जगह पर आ जाएगा 2 और c की जगह पर आ जाएगा 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस को ये प्लस कर देगा क्योंकि पावर इवन है। 4 2 8 8 5 40 40 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 31, और बड़ी संख्या नेगेटिव है इसलिए इसका साइन भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। अतः हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू निकाली है वो जीरो से क्या है, छोटी है। दैट मीन्स हियर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर रूट्स का अस्तित्व नहीं है। इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। यहाँ पर भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 3, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो b का स्क्वायर मतलब की हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस 4, a की जगह पर हम रख देंगे 3 और c की जगह पर हम रख देंगे 4। इस नेगेटिव साइन को यह पॉजिटिव कर देगा, 4 4 जा, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48।
यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फोर फोर जा 16, और रूट थ्री का रूट थ्री में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 48 प्लस का, और ये हो जाएगा 48 माइनस का। यहाँ पर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो मिली है वो आपकी जीरो है। दैट मीन्स रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन, अब रूट्स इक्वल और रियल होंगे तो हम यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जब भी आपका रूट्स रियल होता है तो आपको सवाल को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। उसके लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करते हैं, जो कि इस प्रकार है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, b की जगह पर माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, मतलब माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आ जाएगा आपका 3 और c की जगह पर आ जाएगा आपका 4 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए की जगह पर वापस से क्या लिख देंगे हम 3। इसे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 रूट 3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आई थी ये वैल्यू, ये यहाँ पर हमने सोल्व किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं 0। तो आप चाहो तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर 0 सीधे भी रख सकते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस माइनस का 4 रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें कितनी मिली है 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए की जगह पर हम रख देंगे 3। ठीक है, हमने इसे थोड़ा सा और इजी कर दिया है। अब ऐसा करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 रूट 3 और प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, और यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6। इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, तो हम 0 को हटा देंगे। ऑन आप चाहे अगर आप प्लस साइन लेते हैं तो भी क्या आएगा, 4 प्लस रूट 3 में हम 0 को प्लस करेंगे तो यही वैल्यू वापस आ जाएगी, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो यही मिलेगी हमको। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कुल मिला के आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 3 बाय 3, और दूसरा रूट जो होगा सेकेंड वाला वो भी यही होगा, क्योंकि जब भी वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। तो ये रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं और रियल हैं। ये हमारा आंसर सेकंड वाला कंप्लीट होता है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, तो थर्ड है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3, मैं कंफर्म कर लेता हूँ यही वाला है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इज इक्वल टू माइनस 6 कॉमा c इज इक्वल टू 3। हम सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, फिर ये 4, a की जगह पर हम रख देंगे 2 और c की जगह पर रख देंगे 3। 6 6 जा 36, इस नेगेटिव को ये इवन पावर पॉजिटिव कर देगा, माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचा।
यहाँ पर ये वैल्यू हमें जो मिली है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने जो निकाली है वो कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना मिला हमें, 12 मिला। ऐसे इक्वेशन क्या कह दो, 1 कह दो। अब बिकॉज हमको जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिला है। दैट मीन्स रूट्स आर नॉट इक्वल बट रियल, मतलब रूट्स हमें रियल रूट्स होंगे लेकिन कैसे होंगे, नॉट इक्वल होंगे, और इस कंडीशन में भी हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र फार्मूला यूज करना नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर चूंकि ये वेरिएबल x वेरिएबल में है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, ये वाला माइनस तो जस का तस लिखा, और बी की जगह पर हमने लिखा माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस पी स्क्वायर, मतलब माइनस 6 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 6, फिर ये वाला माइनस, फिर 4, ए की जगह पर है आपका 2 और सी की जगह पर है 3, 2a, या हम इसको सीधा ऐसे भी कर सकते थे, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, 12 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो सीधे ही रख सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से। तो और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए की जगह पर आ जाएगा 2, ठीक है। आप या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, ये करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, सिंपल। इक्वेशन 1 से हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यहाँ पर भी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, सीधा रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 2 2 जा 4। अब ये 6 प्लस 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4। यहां से 2 के क्या बन जाएंगे, पैर, तो 6 प्लस 2 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर, यहां पर आ जाएगा 4। ये x की वैल्यू चल रही है, यहां से आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को कॉमन लिया तो 2 3 जा 6, यहां से 2 बाहर हो जाएगा तो रूट 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 3 जा 2 इंटू 3 के रूप में, मतलब यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो दोनों में से 2 को बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू यहां पर प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो हम ले लेंगे ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग प्लस साइन, ये नेगेटिव साइन को हमें इग्नोर कर देना है और ये प्लस वाला साइन ले लेना है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाय 2, ये आपका फर्स्ट रूट आ गया जिसे हम अल्फा कह देंगे, एंड ऑन टेकिंग माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, अब हमें इस माइनस साइन को ले लेना है और प्लस को इग्नोर कर देना है, तो 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ये आपका बीटा रूट्स हो गया। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक जरूर करें, धन्यवाद।